वेलकम बैक गाइस। हर बार थ्राइस पर जो है हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम आपको एक नहीं बहुत सारी वैकेंसीज जो है बताने वाले हैं, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बारी बारी करके हम यहाँ पे फॉर्म के बारे में बताएंगे जिसको आपको फ़िलअप कर लेना है, और इनकी लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले फॉर्म को आप ज़रूर फिलअप कीजिए और वीडियो जो है पूरा देखिए, ताकि ये जो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, उस वैकेंसी का नाम है BRC। जी हाँ, BRC में जो है वैकेंसी निकल रखी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे जो है फ्रेशर्स के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे डिप्लोमा BSc 12th RTI के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल है। 31 जनवरी 2021 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है स्टिपनी ट्रेनी के लिए वैकेंसी आ रखी है CAT 1 और CAT 2 के लिए, जहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिस्ट्री के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों प्लांट ऑपरेटर के लिए BTEC और 12th क्लास के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। AC मैकेनिक्स में ITI, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिकल डीजर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन B और C के कैंडिडेट जो यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ₹100 का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, BSc कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट, 12th के कैंडिडेट, 12th विथ साइंस के कैंडिडेट, IIT के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पे जो 18 लेके 24 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आपका 3 लेवल का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। अगली वैकेंसी दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन में जो है वैकेंसियाँ रखी है। यहाँ पे 2551 सीट यहाँ पे रखी गई है दोस्तों, और 15 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसका जॉब लोकेशन दोस्तों आपका अगर पूछा जाए तो आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो है 21 से लेकर 44 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 12वीं पास के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। 12,000 पर मंथ जो इनको स्टाइपेंड या फिर आप कह लीजिए सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है देख सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो फॉर्म है आपका 28 दिसंबर से जो है स्टार्ट होने वाला है। देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी है, कोचिंग शिपयार्ड में ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे 6 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सेफ्टी के लिए जो है वैकेंसी निकल रखी है। 35 साल जो है एज लिमिट है। 5, 4, 1, 1 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि दिया गया है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो सिलेक्शन प्रोसीजर में, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, देन फेज 2 में जो है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ₹400 का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रखा गया है। तो इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, 6 जनवरी 2021 रखी गई है। देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में जो है, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट के लिए जो है वैकेंसी निकल रखी है। 24 जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। 27 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने फॉर्म को नहीं फिलअप किया तो ज़रूर फॉर्म को फिलअप कीजिए। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं टोटल 24 है। यहाँ पर 19,000 से लेकर 63,000 तक जो है सैलरी दी जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, 12वीं पास के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। 28 साल और 27 साल जो एज लिमिट रखी गई है। देन दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है SC ST कैंडिडेट के लिए। अदर्स कैंडिडेट के लिए ₹100 का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रखा गया है। 27 दिसंबर इसकी जो लास्ट डेट है। देन दोस्तों अगर यहाँ पर बात किया जाए इसके सिलेक्शन और जॉब लोकेशन का, तो यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो LIC में आई हुई है। LIC में जो है होम फाइनेंस लिमिटेड में जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 31 दिसंबर रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो 25,000 पर मंथ जो है सैलरी है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए दोस्तों यहाँ पे 10 से लेकर 14 लाख पर ईयर तक जो यहाँ पे सैलरी रखी गई है। और यहाँ पे जो है BBTEC के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। BBTEC और BSc इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पे 24 से लेकर 30 साल के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म के लिए फ़िलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट है, 1 साल का मिनिमम यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है।
तो इसकी जो लास्ट डेट है एक बार फिर बता दूं आपको, 31 दिसंबर 2020 रखी गई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल में और भी बहुत सारी वैकेंसीज अपलोड हैं, आप जो है इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये वेबसाइट का लिंक जो है आप अपने गूगल क्रोम में सर्च कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई इन्फॉर्मेशन। था आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।